कैसे हैं आप सब? बहुत बुरे हैं हम लोग। गाइज, मैंने पता है कि आप लोग हमेशा मुझे बोलते हो प्रैंक करने के लिए, तो मैंने ना मम्मी के ऊपर दो प्रैंक किया है एंड उसके बाद से मैंने बहुत सारा प्रैंक करने का ट्राई किया है, बट एक बार भी मम्मी प्रैंक हुई ही नहीं। गजब बेइज्जती है। मेरा प्रैंक हो गया ऊपर से, तो ऐसा वीडियो कैसे डालू जहाँ पे होता ही नहीं है प्रैंक। तो फिर से मैं ट्राई करने वाली हूँ आज प्रैंक करने की मम्मी के ऊपर। भगवान करे कि आज वो प्रैंक हो जाए। तुमसे ना हो पाएगा। एंड आज हम क्या प्रैंक करने वाले हैं दिखाती हूँ आपको, दिखाती हूँ गोल्डन ज्वेलरी प्रैंक। क्योंकि यार अभी धनतेरस है, दिवाली है, तो गोल्ड के साथ कुछ तो करना चाहिए, है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। बट उससे पहले इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, क्योंकि आपको बहुत मजा आएगा और मेरी बैंड बजने वाली है, तो जरूर लाइक करना, ठीक है? लव यू। सो गाइस, अभी हमें जाना है मम्मी के लिए ज्वेलरी खरीदने, तो इसके लिए मैं यूज करने वाली हूँ एक बहुत अच्छी ऐप, जहाँ पे आप इजीली कैब बुक कर सकते हो इकोनॉमिकल प्राइस में, एंड जहाँ पे डील्स ट्रांसपेरेंट है एंड राइड्स कंफर्टेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज ओपन द इनड्राइवर ऐप, राइड ऑप्शन चूज करना है, एंड देन इनपुट पिकअप एंड डेस्टिनेशन लोकेशन, और साथ ही में हमारे पास प्राइस सेट एंड नेगोशिएशन करने की फ्रीडम होती है। अलॉन्ग विद इट्स कॉस्ट, द राइड आर डिसाइडेड बाय द यूजर। ड्राइवर आपको तभी कॉल कर पाएगा जब ऑफर दोनों तरफ से एक्सेप्ट किया जाता है, एंड डील्स ट्रांसपेरेंट है, तो आप डायरेक्ट ड्राइवर को भी पे कर सकते हैं। तो अभी जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, एंड स्टार्ट योर ट्रैवल एंड एंजॉय योर दिवाली विद इनड्राइवर। सो गाइज, अभी हम जाने वाले हैं, मम्मी से लेके ही रहेंगे गोल्ड ज्वेलरी, क्योंकि यार अगर मम्मी ने नहीं दिया ना, तो इस बार भी हमारा प्रैंक फेल हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। तो चलो चलते हैं, जैसे भी हो लेके ही रहेंगे गोल्ड ज्वेलरी। चलो चलो, धीरे बोलती हूँ यार। एंड गाइज, मम्मी ना नेक्स्ट वाला फ्लैट में है अभी, तो चलो आ जाओ, धीरे आना, ठीक है? पता नहीं लगना चाहिए कि शूट हो रहा है, कैमरा छुपा के, कैमरा छुपा के। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा, चल। माँ, आशो, कुदा जाच्छो? अमेर बेर अच्छी। कुदा जाच्छो? बोंडे आते जाच्छी। अमेर डू गोइना लग बे, शूट कर बो। की गोइना लग बे? वही हार्ट टा सोनार जेटा दी चिला मागेर बच्चोर। सोनार जिनिश पोरे शूट कर बे ना। क्या नो? कराली बेस्ती। कुदा है शूट कर बे? बाहरे। না সোনার জিনিস পরে বাইরে যাবে না। আরে কি হয়েছে, আমি ঠিকভাবে যাব, তুমি দাও দাও দাও। হারিয়ে যাবে, সোনার জিনিস পরে বাইরে যাবে না। আরে বলছি হারাবে না, তুমি দাও। তুমি রাখতে পারবে না, তুমি কোন জিনিস। আরে আমি সাবধানে রাখবো, তুমি দাও দাও দাও, তাড়াতাড়ি, ভাল লাগছে না, দেরি হয়ে যাচ্ছে, তাড়াতাড়ি বেরোবো, দাও। তুমি রিক্স নেবে, তুমি নিয়ে আসবে, যত্ন করে তো রেন্দো ফির। হ্যাঁ আমি আসবো সেদিন। আরে তুমি দাও, হ্যাঁ যত্ন করে নিয়ে আসবো, দাও। সিটও তোমার দায়িত্বে দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ চাপ নেই, অসুবিধা নেই, তুমি দেখে নিয়ে আসবে, ঠিক আছে? সাবধানে, যত্ন করে রাখবে সোনার জিনিস, দাও সোনার যত্ন করো। হ্যাঁ পারবে তো? দাও, ঠিক আছে, ঠিক মতো দেখে নাও। হুম, যেরকম দিচ্ছি সেরকম যেন আমি পাই, ঠিক আছে? চলো চলো, শুট শুট করতে হবে, টাইম নেই, ঠিক আছে? কোথায় যাবে? সোদপুর, সোদপুরের দিকে যাব, তাড়াতাড়ি চলে আসবে। হ্যাঁ চলো, ক্যামেরা তো বেশি চার্জ, সাবধানে সাবধানে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। सो गाइज, अभी फाइनली मम्मी बहन को लेने जा चुकी है, एंड मेरे पास आ गया है ये खजाना। इसके अंदर क्या है देखोगे, दिखाती हूँ। ये है असली सोना गाइज, असली सोना, जो कि मैंने पिछली बार धनतेरस के टाइम पे ही मम्मी को गिफ्ट किया था, एंड ये ना मेरे पहली YouTube अर्निंग से मम्मी को मैंने गिफ्ट किया था, तो ये मेरी मम्मी के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, एंड मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि यार मतलब हर किसी की सपना होता है ना कि उनका बेटी उनको कुछ अगर ऐसे दिल से गिफ्ट करे, और इंडियन मॉम्स तो वैसे भी यार बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, तो मेरी मम्मी तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी लास्ट टाइम जब मैंने ये गिफ्ट किया था उनको। ये बहुत ज़्यादा दिल के करीब है यार मम्मी का, तो आई नो कि इसको अगर मैं बेचने वाला प्रैंक करूंगी तो मम्मी को बेहद गुस्सा आने वाला है, हो सकता है कि वो मार धार कुछ भी कर दे, तो उसी का फायदा उठाएंगे गाइस, उनको गुस्सा दिलाएंगे बहुत ज़्यादा, वो भी बताएंगे कि हमने इसको बेच दिया, मतलब मैंने गिफ्ट किया था और फिर मैंने बेच दिया। सोचो, सोच रहे हो? मुझे तो सोच के डर लग रहा है यार, मम्मी मारेगी तो नहीं मुझे। चलो आपको कहीं पर लेके चलते हैं।
गाइस फाइनली मैं लेके आ चुकी हूँ मेरी मम्मी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट। मुझसे तो जितना हो पाया मैंने कोशिश किया, वैसे तो मेरे औकात से थोड़ा बाहर ही चली गई मैं, थोड़ा ज्यादा ही महंगा पड़ गया, बट ये जैसा भी हो यार मुझे पता है कि ये मेरी मम्मी के लिए बहुत ज्यादा कीमती होगी क्योंकि यार ये उनकी बेटी की गिफ्ट है। तो आई होप कि मॉम खुश हो जाएंगी, थोड़ा सा गुस्सा दिलाने वाली हूँ बट उसके बाद खुश भी कर दूंगी। तो वेट करते हैं मम्मी का, अभी तक तो आई नहीं है, आ जाए फिर करेंगे धमाकेदार वाला प्रैंक गाइस। और हो सकता है कि आज मेरी जिंदगी के आखिरी दिन हो, ठीक है, तो इस बात पे क्या करना है आपको, कर देना यार दिल से जितना मर्जी लाइक कर देना, ठीक है। Two thousand years later. सुन रहा है कि ये शेखर चलो कौन आश्ले तुम्ही अभी तो ऐसे सब आश्ले সুন্দর হয়েছে, হ্যাঁ এটা পড়বে, ভালো হয়েছে, হ্যাঁ এটা পড়ে আমি ঘরে বসে থাকবো, হ্যাঁ এটা পড়ে ঘরে বসে দেখো। আমার সোনার হারটা দাও, ওটা বিক্রি করে দিয়েছি, বিক্রি করে দিয়েছি ওটা। একটা কথা নাকি তুমি দাও, কোথায় দাও, কোথায় লুকিয়ে রেখেছো, দাও দাও। আরে লুকাতে যাবো কেন, আমি সত্যি বিক্রি করে দিয়েছি। ইয়া কি করছো তুমি, দাও লুকিয়ে রেখেছো। আমার জন্মদিন আসছে তো এই মাসে, টাকা দিয়ে সময়, হ্যাঁ দেবো তো, দেবো তো কি, আমি বিক্রি করে দিয়েছি, আমার টাকা লাগবে, আমি জন্মদিন পার্টি করবো না নাকি, আমি কোনোবার কিছু করতে পারি না, আমি এবার আমি আমি ওটা বিক্রি করে দিয়েছি, ওটা দাও তোমাকে টাকা দেবো, তুমি পার্টি করবে, দাও টাকা দাও, সোনার টাকা দাও। আমি সত্যি বলছি আমি বিক্রি করে দিয়েছি ওটা, তুমি দাও, মিথ্যা কথা বলো না, তুমি দাও। বলছি মা বিক্রি করতে, কি আশ্চর্য, আমি তো দিয়েছিলাম তোমাকে, তুমি বিক্রি করতেই পারি, আমি বিক্রি করতেই পারি, তুমি এরকম করছো কেন, না তুমি বিক্রি করতে পারো না, কি তুমি আমাকে ভালোবাসো না সোনা ভালোবাসো, সোনা ভালোবাসি, তুমি দাও আগে, না সরি আমি আমি বিক্রি করে দিয়েছি, আমার এই জন্যই ভালো লাগে না এই সমস্ত জিনিস একদম। তুমি দিয়েছিলে কেন, আমি দিয়েছিলাম, আমি বিক্রি করে দিয়েছি, আমি দিয়েছিলাম যখন তখন আমি দিয়েছিলাম, বিক্রি করে দেওয়ার সময় বিক্রি করে দিয়েছি, তুমি যাও, তুমি দিয়ে, আমি একদমই মিথ্যা কথা বলছি না, দিয়ে যাও, দিয়ে যাও, আমি বলছি নেই, আমি আমি বিক্রি করে দিয়েছি, বলছি বিক্রি করে দিয়েছি, মিথ্যা কথা বলছো, আরে সত্যি বিক্রি করে দিয়েছি, কেন মিথ্যা কথা বলতে যাবো, আমি নিষেধ করলাম, না করলাম কি করতে, ওগুলো টাকা দাও, টাকা দাও কার বলছো, আমি বিক্রি করে দিবা সোনার জিনিস, তো কি করবো, টাকা দরকার হলে মানুষ কি করে, ঘরের সোনা কেউ বিক্রি করে, না করার কি আছে, কিনেছিল কেন, দিয়েছিল কেন, আমি চেয়েছিলাম তোমার কাছে, আরে বাবা তখন আমার মনে হয়েছিল আমি দিয়েছি, এখন মনে হয়েছে আমি বিক্রি করে দিয়েছি, সত্যি সত্যি বিক্রি করে দিয়েছেন সেটু, আমি নিষেধ করলাম ওকে, ও শুনলো না, আমি আমি এসব কারণ কি বলবো বলুন, আমার আপনাদের মধ্যে আমি কথা বলতে, তোমাকে তো এটা এনে দিয়েছি, এটা কি সোনা, আমার তো জন্মদিনে আমার তো কিছু ইচ্ছা আছে, ইচ্ছা আছে, তুমি আমার কাছে টাকা চাইবে, আমি তোমাকে টাকা দেব, তুমি দাও না, তোমার কাছে চাইলে তুমি দাও না, না না তুমি মিথ্যা কথা বলছো, তুমি মিথ্যা কথা বলছো, আরে ভাই মিথ্যা কথা বলছো, কি আশ্চর্য মারছো কেন, তোমার টাকা চাইলে তোমার টাকা, আমি আমার জিনিস বিক্রি করতেই পারি, তুমি দিয়েছিলে কেন, আমার ইচ্ছা হয়েছিল তাই আমি দিয়েছিলাম, আমার ইচ্ছা হয়েছে আমি বিক্রি করেছি, এটা কথা না, এই সবের জন্যই বিক্রি করেছি আমি, কেন কিসের জন্য, আমাকে মানে কি কি পেয়েছো, আমাকে কি মারবে বিক্রি করে দিয়েছি বলে, তা মারবো না, কেন মারবে, কেন তুমি বিক্রি করলে, আমার মুখে মুখে তর্ক করছো কেন, তুমি তুমি দিয়েছো বলে মুখে মুখে তর্ক করবে, এই আমার প্রতিদান, হ্যাঁ এত বছর ধরে কি শিক্ষা দিলাম, হ্যাঁ পড়াশুনো শিখালাম, এত বড় করলাম, এত পয়সা করে খরচা করলাম, একটা গয়না কিনে দিয়েছে মাকে, সেই গয়নাটা নিয়ে তুমি বিক্রি করে দিলে, আমার খোটা দিচ্ছ, তোমাকে দিয়েছি, মা বলে রাখবে না, আমাকে আর মা বলে রাখবে না, এর কোনো সম্পর্ক নাই, কি আশ্চর্য, আমি কি করেছি, এসব নাটক করছো, না 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 না,
ছেলে আর আর তুমি আমাকে মা বলে ডাকবে না জি 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 দুধ কলা দিয়ে গাল সাপ পুষেছি অমানুষ জন্ম দিয়েছি ছবল মেরে দিলে কি আশ্চর্য হ্যাঁ জি 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 आई स्वेर गाइज मम्मी ना अब भी रोने वाली थी आई स्वेर तो चलो चलते हैं एंड मम्मी को सरप्राइज करते हैं ठीक है सो गाइज यहाँ पे रहा हमारा सरप्राइज गिफ्ट और पीछे रहा मम्मी का पुराना वाला जो मैंने गिफ्ट दिया था लाइट ऑफ करो बसो गो की गो ओमा ओमा ইমিটেশনের গয়না নিয়ে এসে আমার এই করছো এনো দেখো তাকাও তাকাও কি এটা দেখো কেমন ওটা বিক্রি করে এটা কিনে এনেছিস হ্যাঁ কি হয়েছে ওটার থেকে এটার দাম বেশি কেউ ঘরের সোনা বিক্রি করে ওটার থেকে এটার দাম বেশি অন্তরসের দিনে কেউ ঘরের সোনা বিক্রি করে যতই দাম হোক কেন তুমি এ করলে 12 seconds later দুটোই দিয়েছি এটা আমি নেব হ্যাঁ তারপরে আবার খোটা দেবে কি আশ্চর্য রে ভাই এটা ইয়ার কি মেরেছি প্র্যাঙ্ক করেছি প্র্যাঙ্ক এতদিন তো এতদিন তো এতবার চেষ্টা করেও তো করতে পারলাম না তাই জন্য এটা তুমি ভাগ্যিস ভাগ্যিস ভগবানের দয়া এটা হয়েছে তাও মোটামুটি হ্যাঁ এত নাটক কেন করলে তুমি করেছি হ্যাঁ এখন এই সব গয়না আমার পড়াবে হুম বাহ কেমন লেগেছে খুব ভালো হয়েছে करती नहीं है ऐसे सामने जाना पड़ता है फिर करती है समझ रहे हो ना करती हूँ नहीं करती है बिल्कुल नहीं मारने के टाइम पे एकदम तुम प्रति बछर बछर मेरे को एमनी करे सोना हार देबे प्रति बछर बछर देबे प्रति बछर बछर देबे हिंदी में बोलो बाबा हिंदी हिंदी में बोलो तुम्हारा पिताजी रिटायर हो गया ना हां हां तुम ही काम करता है हां तुम प्रति बछर मेरे को सोना पढ़ाएगा पढ़ाएगा और तो फिर इन लोगों को बोलो कि मेरी बेटी का हर वीडियो को लाइक करेगा मेरे को हर वीडियो को बेटी को लाइक करेगा सब्सक्राइब करेगा सब्सक्राइब करेगा और कमेंट करेगा और कमेंट करेगा तो ठीक है खुश हो खुश हूं तो गाइस मेरी मम्मी बिल्कुल एकदम महारानी लग रही है विक्टोरिया विक्टोरिया लग रही हो एकदम विक्टोरिया महारानी लग रही है मेरी मम्मी ठीक है आके सो गई थी जब भी झगड़ा होता है मेरी मम्मी सोती है कोई काम नहीं करती खाना भी नहीं बनाती बनाती हो नहीं बनाती है मम्मी खाना भूखा रखती है और सोती रहती है तो ये हमेशा पहन के रखना ठीक है घर में भी एकदम हमेशा ऑल टाइम पहनना है ठीक है नहीं घर में सब टाइम पहन लेके उसको कलर नष्ट हो जाता है ओकेशन में पड़ता है ठीक है ओकेशन में पढ़ना में पढ़ना पड़ेगा ओकेशन में पढ़ना ठीक है ओकेशन में पढ़ना आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करेगा और लाइक करेगा सब कुछ कर देना गाइस सब कुछ कर देना बाय